जीवन में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब हम स्वयं को निराशा के भौर में फंसा पाते हैं। ऐसे समय में किसी के बोले गए दो शब्द या कहीं लिखे गए प्रेरक वाक्य या कोई कहानी हमें उस निराशा के भंवर से बाहर निकालकर एक नए जोश का संचार करती है। ऐसे ही कहानी लेकर मैं आज आपके बीच आया हूं। कहानी है एक प्रोफेसर की जो स्कूल में बच्चों की क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि के साथ लेक्चर सुन रहे थे, उनके पूछे सवालों के जवाब दे रहे थे। उन सभी छात्रों के बीच एक छात्र ऐसा था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। कुछ दिनों तक वो प्रोफेसर उस बच्चे को नोटिस करते रहे कि ये बच्चा इतना गुमसुम क्यों बैठा रहता है। एक दिन प्रोफेसर साहब ने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछे, बेटा तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में हमेशा अकेले और उदास क्यों बैठे रहते हो? लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है तो बताओ। इस पर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया, बोले, बेटा मैं भी तुम्हारे बगल वाले कॉलोनी में ही रहता हूं, तुम शाम को मेरे घर पर आ जाओ। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पे पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाते हुए बैठने के लिए बोले और स्वयं किचन में जाते हुए पूछे, बेटा सिकंजी पियोगे? छात्र ने बोला, हाँ सर पीऊंगा। प्रोफेसर ने जानबूझकर सिकंजी बनाते समय उसमें नमक ज्यादा डाला और सिकंजी का ग्लास लेकर किचन से बाहर निकले और वो ग्लास छात्र को देते हुए बोले, ये लो बेटा सिकंजी पियो। छात्र ने वो ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ बेटा, सिकंजी पसंद नहीं आई क्या? छात्र ने बोला, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, बस सिकंजी में नमक थोड़ा सा ज्यादा है। अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ये ग्लास मुझे दे दो, मैं इसको फेंक देता हूं। और प्रोफेसर ने छात्र की तरफ हाथ बढ़ाया ग्लास लेने के लिए। इस पर छात्र ने मना करते हुए बोला कि नहीं सर, बस केवल नमक ही तो है ज्यादा, अगर उसमें थोड़ा चीनी मिला दें तो ये स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर थोड़े गंभीर हुए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये सिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। अब जैसे नमक को सिकंजी से निकाल नहीं सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभव को भी तुम्हारे जीवन से अलग नहीं कर सकते, वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। और जिस तरह हम चीनी मिलाकर सिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को भूलने के लिए उसमें मिठास घोलना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। ये बात छात्र को समझ में आ गई। अब उसने निश्चय किया कि अब वो बीते बातों से परेशान नहीं रहेगा। वैसे ही जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभव को याद करके परेशान होते रहते हैं और अपने सुनहरे वर्तमान पर ध्यान ही नहीं देते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसको तो सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम उसको तो भुलाया जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी पड़ेगी। आपके जीवन में वर्तमान में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तब आपके जीवन में भविष्य में मिठास आ पाएगी। दोस्तों इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि वर्तमान को हम अगर अच्छा कर पाए आज के हिसाब से भविष्य बदल जाएगा। दोस्तों इस तरह हम अपने वर्तमान को अगर सुधारते जाएंगे तो हमारा भविष्य अपने आप सुधरता जाएगा, नहीं तो अब तक जो करते आए हैं अगर
अभी से आगे भी वही करते रहे तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। इसलिए जरूरी है कि जो चाहिए उसके लिए काम करें और तब हमें वो मिल पाएगा जो हमें चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे इस चैनल पर आप नए हैं और मैंने इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का भी हिट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।